हमारे साथ में के परीक्षक है नाम प्रकाश यादव का मुश्किल है, उससे जरा सूचना मिली कि गाड़ी में कुछ अवैध किस्म की शराब आने की सूचना मिली। इसी के आधार पर इंस्पेक्टर असेसमेंट द्वारा अपनी टीम को जो क्राइम टीम है उस पर लगाया गया और सभी को याद करते हुए चेकिंग के लिए नियुक्त किया गया। तो सुबह करीब ये गाड़ी 4 बजे लगभग 3:30 4 बजे के बीच में ये सुमारपुरा साइड से भिंडपुर साइड से उस तरफ से आती हुई दिखाई दी, जो बदौलिया के पास में इसको गाड़ी को रुकवाया गया। जो मुखबिर था इसका उसने इन्होंने बताया कि साहब यही गाड़ी है, उसकी सूचना पर गाड़ी को रोका गया, गाड़ी की तलाशी ली गई, गाड़ी को रुकवाया गया। तो ड्राइवर ने भागने का प्रयास किया जिसको दौड़ा कर पकड़ लिया गया। उस गाड़ी की तलाशी तिरपाल पर हटाने के बाद उसमें लगभग 60-62 पेटी इंग्लिश दारू मिली है, शराब मिली है, जिसका कोई कागज वगैरह उसके पास नहीं है और ना ही वो उसके बारे में कुछ बता पा रहा है। केवल ये कह रहा है कि मैं इसको मुगलसराय ले आना था, पूरा जाम लगा हुआ था, जिस वजह से मैंने सोचा मैं इधर से निकल जाऊँ, मैं दाखिल होकर बीच बाजार विशेषज्ञ होते हुए या मैं दाखिल होकर उधर से बहर का ये मुगलसराय होकर आगे निकल गया। इस आधार पर उसको पकड़ा गया है। ड्राइवर कहाँ के हैं सर? ड्राइवर दिल्ली का रहने वाला है, उसका नाम सत्येंद्र शर्मा है और उसका ये कहना है कि साहब इस तरह के काम हम लोग करते हैं तो हर एक महीने बाद ड्राइवर की बदली मालिक लोग करते हैं। उसको ये भी नहीं मालूम है कि मुझे जाना कहाँ था, मेरा लास्ट टास्क कहाँ पर था, मुझे अंतिम समय कहाँ पर पहुँचना, ये भी नहीं मालूम। इसका कहना है कि मैं मुगलसराय पहुँचता फिर वहाँ मुझे दोबारा फोन आता कि मैं कहाँ जाना है, उसके बाद मैं अगली कार्रवाई। सर गाड़ी नहीं दिखाई दे रहा है, चार चक्का जिसपे पकड़ाया था? गाड़ी है, गाड़ी बाहर खड़ी है, अभी आपको दिखा दे सर। इसके पहले भी एक आध है वो दे चुका है, क्या वो पहला डिफेंस था? नहीं, कह रहा मैं यहाँ इस बनारस से होकर पहली बार निकला, पहली बार, लेकिन इसको रास्ते वगैरह जानकारी थी, रास्ते वगैरह जानकारी है, पहले और काम ये करता था, बाद में इस गाड़ी वाले के साथ में ये वाले काम।